काले नायक क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सर, यार इससे मारो। जिस प्रकार गधे की पीठ पे झूल रही है छिड़कती, उसी प्रकार ये शरीर तेरी पीठ पे नहीं अच्छी लगती। क्यों घूम जाता है भाई? अब मैं समझ गया, जो गलती है वो हमारी है, लेकिन मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसा काम नहीं करूंगा। ठाकुर हरनाम का गुण क्यों किया? गुस्सा में हो गया। हमारे बारे में गांव का आदमी कोई चुतुरबुद्ध नहीं कर सकता, दुश्मनी इससे है तुमसे नहीं है। ठाकुर हरनाम सिंह का खून हो गया और मेरे बापू को गोली की मार, तो तुम हमारी दुल्हन को क्यों ले गए? बेटा चंदा जाने के बाद पूरा किला घर से बाहर सवाल करती है कि बेटा तेरे बाप का कातिल जिंदा है। भैया चलो, ये गलतियां हो गई हैं, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तो बिरजू भैया मुझे माफ कर दीजिए, अपनी गर्मी पे खुद हूँ मैं पछता रहा, अब कभी कोई गलती करूँगा। भैरव सिंह, मैं तेरी इज्जत करता था क्योंकि मैं सोचता था कि तू जमींदार का साला, लेकिन तू इतना हरामी निकला कि हम लोगों को खून के असल रुला दिया। क्यों? अब तुझे मालूम होगा कि इंसानियत क्या है और क्या तेरी इज्जत होगी। जो पति किसी के साथ करे बर्बाद वो खुद हो जाता है, तकलीफ जो देता घरों को आराम कभी ना। जो मीठा होता है वो अपनी नाश कराता है, मीठे गन्ने को देखो तो ढूंढ देते हैं। ये साले क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? वही बात, तुम उठाते हो पैसे उठाया जाता है।
हाथ पैर पकड़ के उठा अल्लाह उंगलिया यहाँ कहाँ लगाए थे धीरे धीरे मारना थूक थूक अरे वहां हम कुएं में लगाई थूक बड़ी बड़ी चीजें हम ला गए सुई में ला गए सुई में यहाँ जब चोरा में यहाँ जब वहां थूक लगा तब उठन चला तब भीतर जा रहे हैं इनसे सारे से कहे हो मारो तो तुम धीरे धीरे मारो अच्छा चलो ठीक हम धीरे धीरे मारो लेकिन तुम जोर जोर कांखे हो लाने को नहीं बताता बता कांखे हो अगर तुम मरना ना चाहते हो तो एक तरकीब है कोई बताइए कोई मरना चाहता है अगर तुम बचाओ आई है तुमका बचा ले लो बचाओ रुको और रुक जाओ और अपनी गाड़ी में रुक जाओ अगर तो यू नहीं तो अगर तुम बचना चाहते हो तो ऊपर आई बैठ जाओ इस पर बैठने से मर जाऊंगा देखो भैया सामने से पुलिस आ रही है बहुत जल्दी से गोली मार मैं यहाँ से निकलता हूँ भाइयों कोई गलत कर्म हम जैसा मत करना बहने बहने होती है बहन बहन होती है इसकी लाश तो खींच कर किसी गड्ढे में डाल दो ताकि चील और कोई खा जाए क्या बताया आज ठीक हाथों से निकल जा रहा है कभी बहुत प्रोग्राम मचाए हुआ जी सर चलो बिरजू ठाकुर को जब तक गिरफ्तार नहीं होगा तब तक कोई चैन की सांस नहीं चलिए सर चलिए सलाजी आलू पड़ा है सामने से तुझ सारी है चलो देखते आज मेरे बापू की आत्मा को शांति सर आज हमारे सभी दुश्मन मारे गए और जो दिल चाहे वो आप मुझे सजा के सजा ठीक है तुम्हें भी सजा हूं चाहे तो गोली मार सकता हूं लेकिन थोड़ा भगे नहीं हमारे यहां आजादी से आगे मारने की परवाह नहीं कोई परवाह नहीं अगर मरना ही चाहते हो तो तुम जैसे इंसान को जिंदा छोड़ना अच्छी बात तो नहीं है
सर ये जो बिरजू है ये मेरा भाई है। क्या आपका भाई? जी सर। तो ये आपने कभी भी नहीं बताया? कैसे बताता सर राज था, क्योंकि मैं एक पुलिस का जवान जी हाँ और ये डॉक्टर हाँ। कानून कभी किसी को माफ नहीं करता है हाँ। इसलिए जी आज के बाद ये कुछ नहीं करेगा, मैं इसके हाथ में लगा करके ले आ रहा हूँ। ठीक है, मैं तो अगर पहले जान जाता तो ये अवश्य आपसे यानी गुजारिश करता कि किसी न किसी प्रकार से हमारा भाई है तो कोई न कोई प्रकार से मुकदमा जीत के हमारे आजादी दिल जाता, लेकिन आज बताया चलो अच्छी बात है। चल रही हेलो लिया गया मेरे भैया डॉक्टर वर्मा यही करेगा ने जो की 300 रूपया पहला कमेटी को प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी कमेटी की तरफ से हाथ जोड़ करके निवेदन है इन महान भाइयों का अभी तक चर्चा नहीं पहुंचा है, कृपया अपना अपना चर्चा यहाँ जमा कर जाए। महान कृपा होगी मेरे भाई हाँ आज तेरे हाथ में पैसे डाले क्योंकि अगर नहीं हथकड़ी डालते हैं तो लोग कानून को गाली कहेंगे। रामो तुम अपना भाग जरूर हो। ठीक है मेरे भाई, चलो कम से कम धारा लगा करके तेरी जमानत करवा दूंगा। ठीक है दिल तो नहीं कहता क्योंकि तू पुलिस डिपार्टमेंट का देश का रक्षा आवाज, मैं इतना भागा अपने बापू की सेवा भी नहीं कर सका और कानून की निगाह में भागा। ठीक है मेरे भाई, हमको तो वही दर्द है भाई भाई में अक्सर ये हो ये होता है भाई भाई मेरा अक्सर ये होता है ये होता है चोट लगे तो हेलो हेलो क्या हमारे श्रीमान जी।